सो हेलो एंड वेलकम, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वर्धमान टेक्सटाइल के बारे में, जिसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आज आ गए हैं। तो अगर हम इसके करंट प्राइस की अगर बात कर ले, तो इसका करंट प्राइस चल रहा है 1304 रुपये तक का, और इसमें 27 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिली है। इस स्टॉक का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है, हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले, करंट प्राइस इसका 1304 है और इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह से 2% की इसमें गिरावट देखने को मिली। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए, तो 7000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और 5 दिन के टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए, तो इसमें उछाल तो देखने को मिला था, बट ये वापस नीचे की ओर मूवमेंट करने लग गया है। अगर 1 मंथ टाइम फ्रेम की बात करें, तो स्टॉक में अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली है। 1200 का स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की ओर इस वह मूवमेंट हमें दिखा है। वर्धमान टेक्सटाइल अगर क्वार्टर फोर के रिजल्ट की बात करें, तो आप देख सकते हो अच्छा खासा इसने जंप लगाया पिछले क्वार्टर से। इस क्वार्टर के जो रिजल्ट है, आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर से जो इस क्वार्टर के रिजल्ट है वो अच्छा है। क्वार्टर थ्री में 170 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ था, और क्वार्टर फोर की अगर बात की जाए, तो 243 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ है। मतलब लगभग इनमें अच्छा इन्हें नेट प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। अच्छा कंपनी ने ग्रोथ किया है। और अगर 2019 से 20 की बात करें, तो 145 करोड़ का इन्हें प्रॉफिट हुआ था, जो बढ़कर 243 करोड़ हो गया है क्वार्टर फोर के रिजल्ट में। सो गाइस, एक अच्छा स्टॉक है, और इसमें जो गिरावट आ रही है, उस गिरावट में आप इसमें खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। सो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।